राज्यसभा में सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया है। ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन खराब होने के चलते पर्ची में वेटिंग हुई और पक्ष में 131 वोट पड़े हैं तो विपक्ष में 102 वोट पड़े हैं। वहीं अब बिल राष्ट्रपति के पास में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। दिन भर की बहस के बाद गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने आए तो उन्होंने विपक्ष को चैलेंज दिया, इस बिल को गिराकर दिखाओ। उन्होंने कहा कि 8 से 10 अगस्त तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, इसके लिए विपक्ष मणिपुर पर 11 अगस्त को चर्चा करें। राज्यसभा में बिल पास होने के तुरंत बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि संसद में अमित शाह ने कहा कि हमारे पास कानून पास करने की शक्ति है।